हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 9 पढ़ रहे हैं। यह 17 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। इसके यूजफुल इफेक्ट्स हम इससे पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने इस तरह के ब्रेड पर कुछ निशान देखे होंगे, ये किस कारण से हो जाते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ब्रेड पर एक्ट करते हैं उससे ये ब्रेड खराब हो जाता है। इससे स्पॉइलिंग ऑफ फूड होती है, और इस तरह के फूड को अगर हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इट कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड एटसेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में डिजीज भी कर देते हैं। सम फंगस कैन कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू क्लोथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। रेनी सीजन में आपने इस तरह से आर्टिकल्स पर देखे होंगे, ये कहाँ से आ जाते हैं? इन पर एयर में प्रेजेंट माइक्रोब्स या फंगस एक्ट करने लगता है और इस लेदर को खराब करने लगता है। इसकी वजह से हमारी महंगी महंगी चीजें भी खराब हो जाती हैं। कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करता है। सिट्रस कैंकर इन लेमन एंड रस्ट ऑफ वीट। आपने इस तरह से लेमन के ऊपर कुछ निशान देखे होंगे, ये लेमन की एक बीमारी होती है जिसे सिट्रस कैंकर बोलते हैं। इसी तरह से ये को भी ब्लैक कर देते हैं और ये वीट अब खाने लायक नहीं रहता। इससे फार्मर्स को नुकसान होता है। आपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि पॉन्ड्स का वाटर पहले बहुत साफ रहता था, वह इस तरह से ग्रीन या गंदगी बदबू वाला नहीं होता था। आज के टाइम ऐसा हो जाता है क्योंकि वाटर के अंदर जब सीवेज का पानी डाल दिया जाता है तो उस पर एल्गा ग्रो करने लगते हैं। ये एल्गा यानी जिसको हम कहते हैं काई, वाटर में प्रेजेंट सारी ऑक्सीजन को खुद यूज कर लेते हैं और इसकी वजह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है और एक्वेटिक एनिमल्स पानी के बिना मरने लगते हैं। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूजेस। ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल और कमर्शियल यूजेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हार्मफुल भी हो सकते हैं। Besides this, some of microorganisms are very harmful to us in various ways, as shown above. They cause various communicable diseases in plants, animals, and human beings. Microorganisms, plants, animals, or human beings may communicable diseases spread करते हैं। Some microorganisms have other harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather items. इसके अलावा ये फूड को खराब करना, पानी की क्वालिटी को खराब करना, ये लेदर के आर्टिकल्स को खराब कर देने का काम भी करते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजन्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन्स कहते हैं। These pathogens are transmitted from one infected person to healthy person by various means like contaminated blood, water, air, soil, physical contact and through vectors. ये pathogens एक healthy person तक पहुँच जाते हैं जब कोई infected person उसके contact में आता है, या फिर उसके blood, water, air, soil या physical contact से person से healthy person के पास पहुँचते हैं। Check yourself. अब इससे related कुछ questions करने हैं। Question number 1. Write any 3 harmful effects of microorganisms. Three harmful effects are spoilage of food. These causes diseases in humans and plants. Some fungus can cause destruction to clothes. But why is it advised to keep the food covered? Food ko cover kyun rakhna chahiye? We should cover the food to protect food from microbes present in air. Question number 3. What are pathogens? How are they transmitted? Disease causing microorganisms are called pathogens. ये answer 3 है।
दीज कैन स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड ब्लड वाटर एयर सोइल फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड थ्रू वेक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड. इवन कोरोना इज ऑल्सो स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है. जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.